उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पीपीगंज में गुरु गोरक्षनाथ कृषि विज्ञान केंद्र के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरक्षनाथ कृषि विज्ञान केंद्र के निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक पूछताछ की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों को नई कृषि तकनीकी की जानकारी मिल सके, इसके साथ साथ समय पर खेती के तरीके और बाजार की मांगों के अनुरूप किसानों को प्रशिक्षित किया जा सके, इस दृष्टि से गोरखपुर जनपद में 2 किसान विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा, गोरखपुर में पहले से ही 1 किसान विज्ञान केंद्र स्थित है, वहीं पीपीगंज में गुरु गोरक्षनाथ कृषि विज्ञान केंद्र के निर्माण कार्य चल रहा है जो शीघ्र ही पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा, महाराज जी आज क्या है आपने? देखिए, ये एक कृषि विज्ञान केंद्र बन रहा है जी। भारत सरकार की एक विशिष्ट योजना है, किसानों को नई तकनीक की जानकारी मिल सके, अच्छी और उन्नत किस्म के बीज की उपलब्धता हो सके, समय समय पर खेती के तरीके और बाजार की मांग के अनुरूप किसानों को प्रशिक्षित किया जा सके, इस दृष्टि से गोरखपुर जनपद में 2 कृषि विज्ञान केंद्र हो जाएंगे। 1 कृषि विज्ञान केंद्र पहले से गोरखपुर में संचालित है, यह एक दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र है। इस कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीक के साथ जोड़ना, उन्नत बीज और मार्केट की मांग के अनुरूप किसानों को उस प्रकार की फसल प्राथमिकता के आधार पर बोने के लिए प्रोत्साहित करना, पशुपालन के लिए मछली पालन के लिए अन्य जो भी किसानों की इनकम को दुगना कर सके, उनके जीवन में खुशहाली ला सके, उस प्रकार का प्रयास करने के दिशा में यह गोरखपुर को एक दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर दिया जा रहा है। हमने प्रदेश के अंदर 20 नए अन्य कृषि विज्ञान केंद्र के प्रस्ताव भारत सरकार को दिए हैं और हमें प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर बड़े जनपदों में 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र और छोटे जनपदों में 1-1 कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की अपनी सहमति दी है। पिछले 1 वर्ष के अंदर हम लोगों ने अधिकतर को सक्रिय किया है, क्रियाशील किया है। इन कृषि विज्ञान केंद्रों को कृषि विश्वविद्यालयों, प्रदेश के अंदर हमारे पास 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो राज्य सरकार अपने कृषि विश्वविद्यालयों को इन कृषि विज्ञान केंद्रों को जोड़ करके किसानों के प्रशिक्षण, किसानों को खेती और मौसम के अनुरूप उनको खेती बाड़ी के लिए तैयार करने, उसको प्रोत्साहित करने की दिशा में यह एक प्रयास है। अगर किसान इन कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षित हो जाए तो मेरा अनुमान है कि किसानों की आय न केवल दुगनी और तिगुनी होगी अपितु उनके जीवन में खुशहाली भी होगी। साथ साथ जो एक आप देखते होंगे कि अक्सर एक समय में सारे किसान एक ही फसल बो लेते हैं, आलू बो रहे हैं तो सभी लोग आलू बो लेते हैं, कोई गन्ना बो रहा है तो सभी लोग गन्ना बो लेते हैं, कोई किसी अन्य एक उसकी तरफ ही चले जाते हैं। हमारा कहना है कि किसानों को प्रशिक्षित करके वेदर अलर्ट के से उन्हें अवगत करा करके पहले से ही अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में प्रशिक्षित कर सकेंगे तो किसान और खेती बाड़ी नुकसान का नहीं बल्कि उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और जो खेती बाड़ी से विमुख हो रहे हैं किसान, वे खेती की तरफ अग्रसर होंगे। यह कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, इसलिए मैं इसका निरीक्षण करने स्वयं आ जाया हूँ देखने के लिए, क्योंकि गोरखपुर का यह दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र है और गोरखपुर के लगभग 9-10 विकास खंडों को केंद्र में रख करके इस कृषि विज्ञान केंद्र को कार्य करना है। वहाँ के किसानों के लिए यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बन रही है, सॉयल हेल्थ टेस्टिंग लैब यहाँ पर बन रही है, 6 कृषि वैज्ञानिक यहाँ पर कृषि से संबंधित, बागवानी से संबंधित, हॉर्टिकल्चर से संबंधित या फिर
वेटनरी उससे संबंधित सभी कार्यों को यहाँ पर संपन्न करेंगे। किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पर एक फार्मर्स हॉस्टल करने का भी निर्माण होगा, जहाँ पे उनके लॉजिंग फूडिंग की व्यवस्था मुफ्त में रहेगी। यह एक अभिनव कार्य है भारत सरकार के स्तर पर, और प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप किसानों की आय को दोगुना करने के प्रयास का एक बेहतर प्रयास भी है। कृषि विज्ञान केंद्र के लिए, कृषि विश्वविद्यालय के लिए जब भी अनुकूल समय आएगा, गोरखपुर या पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक और कृषि विश्वविद्यालय